जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोलिए जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज से हम एसएससी जीडी जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए रीजनिंग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जो आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 6 नंबर का यह चैप्टर है वो आपके पेपर में आता है। इसमें आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज वाली क्लास में हम तीनों टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं मैं शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं कि पेपर कितना भी अच्छा बन जाए, यही क्वेश्चन इसी लेवल के, इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यह चैप्टर होने वाला है आपका एनालॉजी या एनालॉगी आप इसको बोल सकते हो, जिसको हिंदी में सादृश्यता या समानता के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, समानता जैसा इसका नाम है उसी तरीके से है कि इसमें समान बताने होते हैं, यानी कि पहले एक पेयर दिया हुआ होता है, एक जोड़ा दिया हुआ होता है, और उसी जोड़े के आधार पर दूसरा जोड़ा हमें बताना होता है, उसी को सादृश्यता, एनालॉजी या समानता बोला जाता है। मैं पहले दोबारा से इस बात को क्लियर कर देता हूं कि यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आप सभी जानते हो, और 6 नंबर, अगर ये समझो कि 40 में से 6 नंबर एक चैप्टर से आ रहे हैं, और उस चैप्टर को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूं, आपके दिमाग में सेट करवा दूं एक ही क्लास में, तो इससे शानदार कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के लेके आया हूं, या तो इंस्पेक्टर के लेवल के हैं या सब इंस्पेक्टर के लेवल के हैं, तो वो क्या है कि एसएससी के लिए बेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वही तरीका वही टाइप, अच्छे बनेंगे तो हम अच्छे करेंगे। एक बात है कि 0 से 100 के बीच में कुछ भी आता है, अगर हम 100 की तैयारी कर लेंगे तो 100 से नीचे जो भी आएगा कर देंगे, तरीका तो सेम होने वाला है, बस लेवल ही थोड़ा अलग होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी जोश और उत्साह आपके अंदर आ चुका है, और पूरी क्लास को जरूर देखना अगर आपने सपने को साकार करना चाहते हो और रीजनिंग को अपने टिप्स पे करना चाहते हो। तो देखो, इस तरीके की लैंग्वेज है वो आपको पेपर में लिखी हुई मिलने वाली है, ठीक है? अपने को इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इस पे सिंपली बताया गया है कि उदाहरण दिए गए कि ऐसे ऐसे करना है। मैं आपको सिंपल और आसान तरीके से बता देता हूं अपने को क्या करना है। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि अपना क्वेश्चंस क्या है इसमें। ये वाली टाइप है, ये पहली टाइप है। देखिए, तीन टाइप है, लेकिन उसके भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? ये पहली टाइप है, इसके भी अलग अलग आपको आगे मिलेंगे, दूसरे आएगी उसके भी अलग अलग होंगे, तो पूरी क्लास को पूरा देखना, तभी ये 6 नंबर आप पक्के कर पाओगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 20, 6 और 4 का जो संबंध है वही 24, 7 और 5 का संबंध है, ठीक है? इन दोनों के बीच में एक ही संबंध है, वही संबंध आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसका है? पहले एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक में ब्लैक थोड़ा मैच हो जाएगा तो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा रेड सा कर लेते हैं। देखो, अब क्या है कि ये 20, 6 और 4 लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन दोनों का कुछ भी होके इस बड़े से संबंध हो रहा होगा। जो छोटे छोटे होंगे ना, उनका बड़े से कुछ भी संबंध होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि क्या हो सकता है कि सर जी, हमें 6 और 4 दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इसको जोड़े तो बन जाता है और उसको 2 से गुना करें तो 20 बन जाता है, वही हमारा यहां पर लिखा हुआ है। यह आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि नीचे भी ऐसा ही है कि 7 और 5 को जोड़े तो कितना बन जाता है, 12 बन जाता है, और 12 को 2 से गुना करें तो यह 24 बन जाता है, और 24 ही हमारा यहां पर लिखा हुआ है। अगर यह ट्रिक इसमें काम कर गई, इसमें काम कर गई, इसका मतलब ये हमारी ट्रिक सही हो सकती है। सही है ये नहीं बोल रहा, हो सकती है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शंस कौन से सॉल्यूशन के तहत आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है।
तो फिर नीचे भी होगा सेम एचडी, तो करके देखो 9 चार कितना हो गया 13, हमें 2 से गुना करना, पहले जोड़ना है फिर 2 से गुना करना है, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 आएगा, तो ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। 8 5 13 क्या आ जाएगा ये? नहीं होगा, क्योंकि क्या हो गया 13 2 26 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखेंगे 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 2 कितना होता है 14 होता है, यहां पर 22 लिखा हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 3 क्या है अपना, यहां पर 10 बन रहा है और 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 20, तो ये तो 42 लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ अलग ही हो रहा होगा, और कुछ अलग हो रहा है तभी तो ये इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है, SSC CGL का क्वेश्चन से आपके लिए लेके आया हूं। मैंने फिर सर जी डायरेक्ट आंसर बता देते, आपने इतना तामझाम क्यों किया? क्योंकि मैंने बोला है ना कि लेवल कम आएगा तो जो अब हमने किया ना इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अगर लेवल पेपर का लेवल कमजोर आता है तो जो हमने किया उसी से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लेके आए हैं, मैंने दोनों की तैयारी करवानी है। तो फिर क्या होगा, फिर देखिएगी ये 26 कैसे बन सकता है, सॉरी 20 कैसे बन सकता है, गुना करने से नहीं हो रहा, जोड़ने से नहीं हो रहा। तो रीजनिंग में मैंने एक बात बोली आपको हमेशा, जब इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी उस समय भी बोली थी कि आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, आप 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 20 तक के क्यूब याद कर लो, आपके लिए मैथ भी आसान हो जाएगा और आपके लिए रीजनिंग भी आसान हो जाएगी। अभी काफी क्वेश्चन करेंगे ना, अब आपको पता चलेगा इनकी वैल्यू जरूर वैल्यू होती है। तो क्या करें, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है भाई पहला आपका 6 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, माइनस में 4 का स्क्वायर 16 होता है, तब ये आपका 20 आ रहा है। क्या समझ में आया? उसके बाद क्या है कि ये 24 कैसे आ रहा है, 7 का स्क्वायर माइनस में दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 49 में से 25 जाएगा कितना आएगा 24 आएगा। ये दोनों में अप्लाई हो गया, अब इधर भी जिसमें अप्लाई हो रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर करोगे आप कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और माइनस में 16 करोगे क्या 65 आ रहा है। देखो 81 में से अगर 16 माइनस करो, अरे 10 माइनस करके देख लो 71 आ गया, 71 में से 6 माइनस करके देखो क्या 65 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी में करके देखो 64 में 25 जाएगा, 64 में 25 जाएगा तो 0 आ ही नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। इधर देखो क्या 49 में से 9 गया तो 40 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 25 में से 4 गया तो 21 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर तो अपना पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने आपको बाकी भी दिखा दिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। अब बताओ पहला ही क्वेश्चन शानदार हो गया, दो तरीके से मैंने सोल्व करवा दिया कि अगर इजी आएगा तो पहले वाले तरीके से सोल्व हो रहा होगा, और अगर अच्छे लेवल का आएगा तो इस तरीके से सोल्व हो रहा होगा। अभी करेंगे इसके, तो अभी पता नहीं कितने टाइप के कराऊंगा बीच बीच में रुक रुक के, ठीक है? कभी इजी क्वेश्चन, कभी अच्छे लेवल के, कभी हार्ड, कभी इजी, इस तरीके से करेंगे, बेड़ा पार करवाएंगे। देखो अगला क्या है, ये अगली टाइप आ गई, अगली टाइप आपकी इस तरीके से पूछी जाती है, ये लैंग्वेज होती है। मैंने सिर्फ लैंग्वेज एक बार दिखा दिया है ताकि स्टूडेंट सोचें कि कैसी लैंग्वेज आएगी, सर जी क्या डायरेक्टली लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। इसमें बताया जाता है, जैसे देखिए क्या है कि जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये जो दूसरा है ना वो पहले से संबंधित है, वैसे ही अपने को बताना है कि ये वाला किससे संबंधित होगा, इसका संबंध अपने को बताना है, समानता अपने को बतानी है, सदृशता। तो बताओ पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से है, इसका मतलब क्या है? जो अपना पुस्तकालय होता है उसमें पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय क्या होता है, लाइब्रेरी होती है ना अपनी, उसमें क्या होती है, पुस्तकें रखी हुई होती हैं। तो उसी तरीके से संग्रहालय होता है, उसमें क्या रखा हुआ होता है, तो संग्रहालय में क्या रखा हुआ होता है, ये हो जाएगा आपका कलाकृतियां। ठीक है, जो कलाकृतियां होती है ना, पेंटिंग वगैरह, वो रखी जाती है। अब देखो इमारत तो नहीं रखी जाएगी, क्योंकि इमारत से तो वो बनाई हुआ होगा स्ट्रक्चर। लोग भी नहीं रखे जाएंगे, लोग तो उन कलाकृतियों को देख रहे होंगे, ऐसे कोई ऐसे पोज कर रहा होगा, कोई ऐसे पोज कर रहा होगा, और लड़के होंगे तो बेचारे ऐसे खड़े होंगे कुछ, तो
कुछ ऐसे खड़े होंगे, कुछ ऐसे खड़े होंगे, बस यही है। ठीक है, हम लड़कों का यही पोज होता है ना, जेब में हाथ डाले, ठीक है ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, ठीक है, वो अपने अक्षय कुमार वाला पोज, वो वाला राजू भैया। तो समझ में आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये गैलरी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कलाकृति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, अब लैंग्वेज बार बार नहीं दिखाऊंगा, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं सबसे पहले, कि फोन का संबंध बातचीत से है, उसी प्रकार टेलीविजन का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। देखिए फोन है हम, वो किस लिए यूज करते हैं, फोन है सभी के पास है, वीडियो देखने का काम तो करते हो, लेकिन ज्यादा यूज किस लिए होता है, ठीक है, ये तो मोबाइल फोन है, फोन का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग से चला हुआ है ना, वो कॉल के लिए यूज होता था, तो क्या हो जाएगा, बातचीत के लिए यूज होता है। तो उसी प्रकार टेलीविजन किसके लिए यूज किया जाता है, टेलीविजन ये यूज किया जाता है दृश्य देखने के लिए, अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रकार के दृश्य है, जो फिल्म वगैरह होती है ना, फिल्म देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, वीडियो के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको दृश्य ही बोला जाता है, बाकी ऑप्शन से भी देख सकते हो, रिमोट, भाई टेलीविजन है वो रिमोट थोड़ी ना दिखाता है, ठीक है, रिमोट से तो चलता है, पढ़े ना भाई, टेलीविजन से कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, मोबाइल से या आजकल पीसी वगैरह उनसे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन टेलीविजन से कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है, अब तो अलग अलग तरीके के आ गए हैं टेलीविजन, लेकिन टेलीविजन है ना वो फीलिंग ही अलग है, 90s वाले जान सकते हैं, उससे पहले वाले लोग जान सकते हैं, अब तो आपके LED वगैरह पता नहीं क्या क्या ही आ गया है, LED LCD वगैरह जो जो बहुत कुछ, ठीक है, और चैनल तो उसमें लगा के हम देखते हैं, ये रियलिटी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी शानदार चीज है, जो 90s वाले लोग हैं ना, उन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ, ठीक है, जो पुराने टाइम का था वो भी, और अभी नए टाइम का चल रहा है ना वो भी, तो 90s वाले सबसे लक्की हैं, हम भी उनमें से हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लक्की तो आप भी हो यार, आप भी बहुत ज्यादा लक्की हो, आपके लिए हम लोगों ने रास्ते खोले हैं, ठीक है, 90s वालों ने युद्ध लड़ा है आपके लिए, ये बात समझ लो, जिस दिन समझ आएगी ना उस दिन, अभी तो क्या है कि अभी 18-20 साल के हो, अभी तो आपकी मस्ती करने का टाइम है, ठीक है, तो अभी इतनी ज्यादा चीजें नहीं सोचनी, सोचनी भी नहीं है, मजे करो, ठीक है, लेकिन जब आप 25 के बाद लग 30 के आसपास पहुंच जाओगे ना, तभी समझ में आएगा, अभी तो आप बचपन से निकले ही हो यार, अभी तो इंजॉय करो। ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन स्टार होने वाला है, क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन नहीं, लेके आया अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकालो इसका आंसर। मेरी एक बात याद रखी होगी, जिसने स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था, वो बात याद रखी होगी, उसका ही आंसर कर देगा। अब देखो इसमें चेक कैसे करना है, कि 19 का संबंध 324 से है, 25 का संबंध 576 से वही है, तो 9 का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है, यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, ऐसा ही संबंध इन दोनों के बीच में होगा, यहां पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। चलो बताओ, स्मार्ट चैंपियन बनना है ना अपने को, तो उसके लिए स्मार्ट सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है कि ये इतना बड़ा है, क्योंकि 19 के कंपैरिजन में 324 बहुत ज्यादा है, या तो क्या हो रहा होगा कि बहुत बड़ी संख्या से गुना हो रहा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है, या क्या हो रहा होगा इसका स्क्वायर हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, तभी बड़ा बन सकता है। अगर कोई बड़ी संख्या देखे तो मेनली तो क्या होता है भाई, 5 से गुना हो रहा है, 10 से गुना हो रहा है, इस तरीके से यूज होता है, वो तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप एक चीज देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 अगर स्मार्ट हो तो पता चल गया होगा, क्योंकि बोला था ना स्क्वायर याद कर लेना, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 18 का स्क्वायर 324, इसका मतलब पहले वाले में से एक माइनस करके उसका स्क्वायर करके लिखा गया है, ये तो दिख गया अपने को, आगे भी चेक करके देखो। मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि 576 है ना, वो भी 24 का स्क्वायर होता है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, 25 दिया हुआ उसमें से एक माइनस करो, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कर दो, तो ये 576 आ गया। जब इन दोनों का हमें पता चल गया और दोनों में ही सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, तीसरी में भी वही होने वाली है, तो कर देंगे, 9 में से एक माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, सॉरी 9 में से एक माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64,
और 64 किस्में है ऑप्शन नंबर बी में है, किस्में है ऑप्शन नंबर बी में है। इस बात को, मेरी इस बात को गांठ बांध लेना कि जहां पर भी इस तरीके की वैल्यू दिखे वो स्केयर ही है, कुछ ना कुछ करके उनका स्केयर हो रहा होगा। कभी कभी क्या करता है, इन स्केयर में सिर्फ एक माइनस कर देता है, या इन स्केयर में या क्यूब में एक प्लस करके दे देता है, ऐसे ही करता है। वो चीज हमें ध्यान देनी है। इस बार क्या किया, इसमें भी तो ऐसा ही किया है कि भाई ये 19 है, यहां पर 18 का स्क्वायर लिख दिया, तो जो ये जिसका स्क्वायर है उसमें एक जोड़ के लिखा है, ऐसे ही तो इसमें किया है। बस समझ गए, आपके में इजी देगा तो डायरेक्ट स्क्वायर दे देगा, ठीक है, और इतना इजी भी नहीं देता। जिस लेवल का मैं करवा रहा हूं ना, यही आएगा सेम, मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए पहले पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी क्लास, अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन निकाल के ले के लिए लेके आया हूं आपके लिए। देखो टाइप नंबर तीसरी है ये अपनी, टाइप नंबर तीसरी, पहली अक्षर वाली आ गई, अल्फाबेट वाली आ गई, भाई इंग्लिश वाली आ गई, हिंदी वाली आ गई, मैथ वाली आ गई, सिंपल समझ लो ये तीन ही टाइप आती हैं। इनमें भी अलग अलग आती है, देखो ये क्योंकि हम करते हुए आ रहे हैं ना अलग अलग। देखो इसमें बताओ, इसमें बताओ, मैं एक बात दिमाग खोल के सुन लेना कि पेपर सोल्व करते समय या क्वेश्चन सोल्व करते समय आंख तो खुली रखनी रखनी है, क्योंकि आंख खुली नहीं तो दिखेगा नहीं, तो साथ में अपने दिमाग को भी खोल के रखना है। कोई बात नहीं, कभी नहीं पढ़े, पहली बार पढ़ रहे हो या चीजें कम समझ में आती हैं, दिमाग में थोड़ी जंग लगी हुई है, कोई बात नहीं, उसको हटाएंगे, ठीक है। अपने पास अच्छा मिट्टी तेल है, मिट्टी का तेल आता है ना जंग हटाने के काम आता है, अपने पास वो अच्छा मिट्टी तेल है, वो क्या है, मोटिवेशन, एनर्जी। तो जिस मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आप पढ़ोगे बन जाएगी बात। देखो क्या है, ये लिखा हुआ है जी ए वी ई। अब लैंग्वेज तो आपने पढ़ ली होगी, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर और दिख जाए, ठीक है। इसमें क्या है भाई, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, ऐसा ही संबंध आपको इससे बताना है। बताओ, देखो इसमें, इसमें जब अगर आपने आंखें खुली रखी होंगी, दिमाग भी खोल लिया होगा थोड़ा सा, तो दिख गया होगा कि ये चारों है ना सेम है, आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन सेम है। आगे पीछे कैसे लिखे हुए हैं कि जी ए, ए जी मतलब ये वाला पहले लिख दिया गया, ये वाला बाद में, वी पहले था, वी बाद में लिख दिया गया, ई बाद में था, पहले लिख दिया गया, मतलब बस स्थान चेंज किए गए हैं दो दो के आपस में, ठीक है। कभी कभी तो पूरे का बदल दिया जाता है, इसमें क्या किया गया, दो दो का बदला गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चेक करो, के ई के स्थान पर ई के आ गया, उल्टा हो गया, इधर पीटी के स्थान पर टीपी आ गया, बस उधर क्या करना है, दो दो का स्थान चेंज करो। एसी के स्थान पर क्या लिखेंगे, उल्टा करेंगे तो सी ए आ जाएगा, और आई डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी आई आ जाएगा। सी ए डी आई किस में है, देख लो, सी ए डी आई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। बस यही तो था, लगा, देख लो इंस्पेक्टर के लेवल का क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी तो अच्छे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अच्छे भाई, मैं एक चीज बता देता हूं, ये आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पहले सोच रहा था कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपने चैंपियन से वादा तो कर रहा हूं कि इस चैप्टर से 6 नंबर का आएगा और 6 के 6 नंबर आप लोगे, और बाई चांस ये आ गया, बाई चांस ये टाइप आ गई, क्योंकि अगर आया है एसएससी में तो जीडी में भी आ सकता है ये टाइप, भाई किसी एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बाद उससे छोटे लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। तो जब ये एसएससी के सीजीएल वाले पेपर में आ चुका है तो जीडी में भी आ सकता है। तो फिर हमने सोचा कि जो वादा किया उसको निभाएंगे और रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कराएंगे। देखो बहुत ही शानदार, मुझे गजब लगता है क्वेश्चन कि 35 का संबंध 21 से है, वही संबंध आपको इधर बताना है, और जो 40 का 24 से है। अब कैसे पता चलता है कि दो दो का है, ये बीच में जहां पर दो दो की जगह चार टिमकियां दिख जाती है ना, इसका मतलब ये पोर्शन अलग हो रहा है। इधर भी देखो चार है ये, तो इसका मतलब ये पोर्शन अलग है, दो दो का मतलब तो बीच में है, ठीक है, कि ये दोनों ज्वाइंट है, लेकिन जहां पर चार दिख जाए समझ जाओ ये पोर्शन अलग है, कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग हिस्सा है, ऐसे है, ठीक है। चलो मिटाते हैं, रब करते हैं, और अब देखो इसको, ठीक है, देखो बताओ
कि 35 का 21 से क्या संबंध हो सकता है और 40 का 24 से। पहले करके देखो, सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, कोई संख्या घट रही होगी। तो अगर भाई 35 में क्या घटा 21 आ जाए, तो 21 इसमें घटा लो डायरेक्ट, तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, यानी 14। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14 है। अगर इधर देखोगे तो ये अंतर 14 नहीं है, ये 16 हो रहा है। ठीक है, ये अंतर कितना हो रहा है, इधर 16 हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई। इधर कितना था, 14 था, उधर 16 हो गया, तो ये नहीं हो रहा। फिर क्या करो कि कभी कभी क्या होता है कि भाई इन दोनों का गुना करके लिखा जाता है कि पहले दो अंक है उनका गुना करके, 3 × 5 = 15 है, नहीं लिखा गया। इधर देखोगे तो इधर भी नहीं लिखा गया। मैं ये समझा रहा हूं, ये इस तरीके से भी आता है, इस क्वेश्चन में नहीं आया, इसका मतलब आगे आ सकता है ना। तो ये जो छोटी छोटी बात बता रहा हूं ना क्लास के बीच में, ये समझ लो, ये क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं लग रही तो किसी में नहीं लगेगी, किसी में लगती है, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी हो सकता है। तभी तो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं, फिर मेन पॉइंट में आऊंगा, वरना मैं डायरेक्ट भी आ सकता हूं। फिर डायरेक्ट आने से कोई फायदा नहीं है, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हो, अपना काम सिखाने का है, समझाने का है, इसलिए आप हमसे जुड़े हुए हो। देखो तो ये भी नहीं हो रहा, ना गुना हो रहा ना भाग हो रहा, तो फिर क्या हो सकता है। फिर इसको देखो, बहुत ही अच्छा है कि अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, ना स्क्वायर हो रहा ना क्यूब हो रहा, वो चीजें भी नहीं हो रही, और जब इतना डिफरेंस होता है ना, तो बस मेनली चीज क्या होती है भाई, या तो कोई संख्या घट रही है, ठीक है, यही होता है मेनली, या इन दोनों का गुना हो रहा होता है या जोड़ हो रहा होता है, ऐसे ही लिखा होता है, वो सारी चीजें इसमें नहीं है। तो ये बताऊं क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने, सबसे अच्छा ये लिखा गया है 5:3 में लिखा गया है। 7 से इसको करो, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, यानी कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। तो दोनों में से कॉमन अपना 7 निकलेगा, तो इधर से 5 और 3 बच गया, यानी जो लिखा गया ना वो 5:3 में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर देखो ये किससे काटेगी, 5 3 बन रहा है ये अपना, ये 8 इसमें कॉम ले लेते हैं, तो ये 5 और 3 में लिखा गया है। अब ये मत बोलना सर जी इसमें 7 कॉमन लिया, उसमें 8 कॉमन लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैथ पढ़े हो ना, मैथ पढ़ाया ना मैंने, तो उसमें क्या है कि अनुपात का मतलब है कि अनुपात इसमें लिखा गया है 5 और 3 में लिखा गया है, ये भी 5 और 3 में लिखा गया है। गुना किसी से कर दो, अनुपात सेम रहता है, ठीक है, अनुपात सेम रहना चाहिए बस। तो इसको भी 5 और 3 में लिखना है, तो 5 और 3 में लिखेंगे तो 3 का मान अपने पास दिया हुआ है 36। 3 = 36 है, तो 1 = कितना हो गया, 12। तो 5 = कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल का है, ठीक है, इसके चांस बहुत कम है इस टाइप के क्वेश्चन के, लेकिन आ गया तो अपने को तैयार रहना है, ठीक है। और अगर इजी लेवल में आएगा तो मैंने आपको बता ही दिया है, या तो इन दोनों का जोड़ करके लिखा हुआ होगा, या इन दोनों का गुना करके लिखा हुआ होगा, या इन दोनों के बीच का अंतर लिखा हुआ होगा, इनका अंतर इसका अंतर सेम होगा, यहां पर भी अंतर सेम करके लिखना है, ठीक है। और अगर बाद में बड़ी संख्या है तो भाई कुछ जुड़ रहा होगा, और वो भी अंतर ही होता है एक तरीके से, बस ठीक है, अच्छा करवा दिया। अब ये देखो, इस वाले को देखो आप, और सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप रीजनिंग में पूरा स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को पूरा जरूर देखना, अभी तो बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखो बताओ, देखिए मैं नंबर्स में बिलीव नहीं करता, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट है जिनके नंबर याद रहते हैं, मैं इसलिए बिलीव नहीं करता, क्योंकि वैसे तो नंबर याद है ना आपको, तो ये बहुत आसान बन जाता है कि भाई एच कितने नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, अगर याद है तो ये बहुत आसान बन जाता है। लेकिन जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होते हैं, 90% स्टूडेंट नंबर नहीं रहते, तो मैं उसी तरीके कर आंसर कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सबसे पहले अपने इसको खोलना है, और ये तो खुली रखनी ही है, तो फिर ऐसे करोगे तो आपको पता चल गया कि बी और डी के बीच क्या संबंध हो सकता है, एक छोड़ के अगला लिखा हुआ है, यानी बी के बाद सी आना चाहिए था, सी नहीं लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है। दूसरे में फिर हम देखेंगे ई और एफ के बीच में क्या संबंध है,
कि उससे अगला ही लिखा गया है, इस बार नहीं छोड़ा गया। फिर दोबारा से ए के बाद बी छोड़ के सी लिखा गया, नहीं यानी एक छोड़ के लिखा गया, फिर अगले में आर के बाद एस। इसका मतलब है कि पहली बार में एक छोड़ के लिखा गया, या बोल सकते हो प्लस दो करके लिखा गया, फिर प्लस वन करके, ऐसा ही है। इसमें देख करके देखेंगे, इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी छोड़ के एच लिखा गया है। फिर ई के बाद एफ आता है तो डायरेक्ट एफ लिखा गया है। ई के बाद एफ आता है, एफ छोड़ के फिर जी लिखा गया है, ऐसे लिखना है। तो एम के बाद क्या है, एन छोड़ेंगे ओ लिखेंगे। ए के बाद डायरेक्ट बी आता है तो बी लिख देंगे। एन के बाद ओ छोड़ेंगे, पी आएगा तो पी लिख देंगे। और वाई के बाद जड़े लिख देंगे। बस ये किस्में है जो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सही लिखा है ना, देख लेना। ठीक है, बस ऐसे ही करना था, समझ में आ गया। तो ये है अपना इंग्लिश अल्फाबेट वाला भी ऐसे आता है। आ गया पहला क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का, अब बीच में दोबारा लाया है ताकि भूल ना जाओ, क्योंकि रिवीजन करवाना भी मेरा काम है। जब बोल ही दिया कि एक क्लास में आपको सिखा कर ही भेजूंगा, ठीक है, 6 नंबर दिलवा के ही भेजूंगा, इतना लायक कर दूंगा, तो फिर तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी सीखा नहीं जाता, उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख सकते हैं। देखो निकालो इसको, अगर पहले क्वेश्चन अच्छे लेवल का करवाया था उसमें छोटी छोटी बातें बता दी थी, अब वही अप्लाई करो आ जाएगा। उतना हार्ड नहीं है ये, बहुत आसान है। क्या बताया था कि भाई बड़े वाले से संबंध हो रहा होगा जो छोटे दिए गए उनका, 6 और 4 का क्या संबंध करेगी 25 बन जाए। तो भाई अगर हम 6 और 4 को गुना कर दें और साथ में 1 जोड़ दें तो ये 25 बन जाता है, क्योंकि 6 चौके 24 और 1 25। इधर भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 8 गुना 3 करेंगे तो कितना आता है 24, और प्लस में 3 क्या, सॉरी 3 थोड़ी ना करना है, प्लस में 1 ही करना है, ठीक है। 8 गुना में 3 24, प्लस में 1 करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है अपना 25 ही आ रहा है। बस ऐसा ही इसमें किसी में भी होगा वही आंसर। देखो ये कितना है 9, ठीक है भाई, सॉरी गुना कर रहे हैं ना, तो 6 3 कितना हो गया 18 और 1 19 करेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो हमने गुना किया है ना, याद रखना गुना कर रहे हो, कभी जोड़ना पड़ता है कभी गुना करना पड़ता है, तो गुना किया है तो क्या हो गया 12 8 96 आ गया, तो यही लिखा हुआ है, प्लस प्लस 1 तो हुआ नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो 7 3 कितना हो गया 21, प्लस में 1 करेंगे 22, तो ये आंसर आ गया। इधर करके देखो ये नहीं आएगा, क्योंकि 14 चौके 56 तो पहले ही हो गया, प्लस करना है माइनस नहीं करना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, ठीक है। इजी बन गया पहला क्वेश्चन, अच्छे से समझा, ये इजी बन गया, ठीक है, और मैंने आपको करवा भी दिया कि कैसे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप सभी, ठीक है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये भी अच्छे लेवल का भाई, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तबीयत खराब चल रही है, फिर भी मैं आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। ट्राई कीजिए आप सभी, और देखिए कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है भाई, 10 के कंपैरिजन में क्या है, 10 के कंपैरिजन में 45 क्या है, बहुत बड़ा है भाई, 10 के कंपैरिजन में 45 क्या है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़े का मतलब है कि भाई इससे क्या है, 4 गुने से भी ज्यादा आ रहा है, तो बड़ा ही हुआ। इधर देखोगे तो ये भी 4 गुने से ज्यादा ही आ रहा है, तो इधर भी कुछ करना ही है, बड़ा ही आएगा। तो लगाओ क्या क्या हो सकता है, लगाओ अपना दिमाग, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं इसको, और आप इसको लगाइए, ठीक है, गर्म पानी। देखिए थोड़ा बताइए, करिए, नहीं आया समझ में, मैं बताता हूं। 10 से 45 कभी आ सकता है जब हम 10 को 4 से गुना करें और प्लस में 5 करें, क्योंकि 10 चौके 40 और प्लस 5 तब 45 आ सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे में देखेंगे कि 6 को 4 से गुना करना पड़ेगा सेम, और प्लस में 5 करेंगे तो 24 और 5 29 आ जाएगा, लेकिन ये 25 लिखा हुआ है, मतलब ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही। ओके,
तो ये वाली ट्रिक जब ना काम करे तो फिर क्या देखना है कि भाई हमने छोटे से गुना करके और जोड़ के देख लिया नहीं आ रहा, तो फिर एक बड़े से गुना करेंगे और माइनस करके देखेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है। फिर क्या है कि भाई 10 को 5 से गुना करके देखो कितना आ रहा, 50, और उसमें से 5 माइनस करेंगे तब अपना 45 आता है, तभी तो 45 आ रहा है। इसमें भी ऐसे करके देखो, 6 को 5 से गुना करो कितना आ गया 30, माइनस कितना करना है 5, कितना 25 आ रहा है, क्या 25 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये इसमें दो ही तरीके काम करते हैं, इस बात को याद रख लेना। मतलब इस तरीके का हो भाई गुना करके जुड़ रहा होगा, या गुना करके क्या हो रहा होगा घट रहा होगा, तो जुड़ने से नहीं आया तो घटने से आ गया, उधर करके देखो अभी आया नहीं है, बस इन दोनों में अप्लाई हुआ है। अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा किससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो 9 को 5 से गुना करो, 9 पंजे 45, माइनस का 5 करो कितना आ गया 40, ऑप्शन में है तो आंसर है, फिर तो सही है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है ना फिर तो सही है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इजी, इनको याद कर लेना ठीक है, याद तो आपको ही करने पड़ेंगे ये तो। अब ऐसा नहीं कि जीके साइंस वगैरह ज्योग्राफी वगैरह ये सारी चीजें मैं पढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, सब कुछ मैं ही पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप क्या पढ़ोगे, बाकी टीचर्स को भी तो पढ़ाने दो यार कुछ। बताओ इसका क्या होगा कि पृथ्वी का संबंध ग्रह से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। ये तो बहुत आसान है, आप सभी जानते हो कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। आसान है ना, तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा ही नहीं कि सारे ही हार्ड आते हैं, सारे ही अच्छे लेवल के आते हैं। ये देखो अब मैं कौन से आ गए, ऐसा ही वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर वाले करवा दिए, आप सब इंस्पेक्टर के लेवल के देख लो, अरे मतलब आपके पेपर में ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। देखो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपको कि हाँ यार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। लेवल अपने को लेवल चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस हो, साथ में जो जो टाइप पूछी जाती है वो हो, बस बात बन जाती है अपनी, अपने को और क्या चाहिए। उधार देने का संबंध ऋण लेने से है, तो उधार देना और ऋण लेना दोनों अलग चीज हो गई। एक तो उधार देने वाला हो गया, एक देने वाला हो गया, एक रुपये लेने वाला हो गया, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, विपरीत हो गए। आप विपरीतार्थक बोल लो या विलोम बोल लो, उल्टा बोल लो कि एक दूसरे से विपरीत हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं, एक दूसरे से के विलोम हैं। तो ऐसा ही इसमें किसी को देखो, खुश और हर्षित, भाई दोनों खुशी से संबंधित है, तो ये तो क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, हिंदी में भी काम आएगा तो भी पढ़ लो, ठीक है, मैं हिंदी भी करवा रहा हूं ना तो हिंदी में भी काम आएगा ये। तो खुश और हर्षित सेम है, कठोर सा और सख्त ये भी सेम है, समानार्थी शब्द हो रहे हैं आपने। तीक्ष्ण और धार दोनों का मतलब एक ही होता है, तीक्ष्ण और धार, ठीक है। रोमांच और उबाऊ ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एक है रोमांचक, ठीक है, एक है रोमांचक और एक है उबाऊ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ध्यान से समझना। उधार देना, एक तो दे रहा है जिसके पास रुपए है ना वो, और एक ले रहा है, तो एक क्या है लेने वाला, एक देने वाला है रुपए, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, एक दूसरे के विलोम विपरीत हो गए, इधर भी क्या है ये, जैसे आजकल क्या है, कुछ है रोमांचक लोग होते हैं, कुछ उबाऊ लोग होते हैं, तो आप में से भी कुछ क्या होंगे, रोमांटिक होंगे और कुछ ढीले ढाले होंगे, ठीक है। और जो रिलेशनशिप में है बता देना किस किस का पार्टनर रोमांचक है और किस किस का उबाऊ है, ठीक है, बता देना। ये देखो ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा करके देखो, मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कैसे कर सकते हो। इसमें और इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा का गैप है, तो इसका मतलब या तो गुना हो रहा होगा या कहीं पे स्क्वायर वगैरह का काम होगा। तो गुना करके देखो तो क्या है कि 32 कब आ सकता है, जब 6 को हम 5 से गुना करें और प्लस में 2 जोड़े तब आ सकता है, ऐसे ही उधर होना चाहिए। तो अगर 11 को हम 5 से गुना करेंगे, 55 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 57 ही आएगा, वहां पर 117 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। फिर मैंने क्या बोला था कि अगर छोटे से नहीं आ रहा, बड़े से करके देखो और घटा के देखो, ये हमने सीखा था। तो इसको अगर 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 36 6 से गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे 36 आएगा,
और उसमें से चार माइनस करेंगे तब 32 आ रहा है। 11 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 66 आएगा, और चार माइनस करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, 62 आ जाएगा, वहां पर 117 लिखा हुआ। तो ये भी कंडीशन नहीं है। अगर यही कंडीशन हो रही होती तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं ये क्वेश्चन क्यों लेके आता। बोला ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे तो लेके नहीं आया क्योंकि मुझे चैंपियन बनाना है ना आपको, तो ऐसे इजी क्वेश्चन तो लेके नहीं आता मैं। जो एक बार सिखा चुका हूं तो सीख चुके आप, तो कुछ नई चीजें सीखेंगे इस बार। इस बार फिर क्या नया हो सकता है भाई, जब गुना करने पे जोड़ने पे नहीं आ रहा, गुना करके घटाने पे नहीं आ रहा, फिर तो ये स्क्वायर और क्यूब वाला पंगा है। देखो 32 कब आ सकता है 36 में से, सॉरी 6 का, 6 और 32, क्योंकि 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, माइनस में 4 करें तो 32 आ जाता है। ओके, पहले स्क्वायर करके देखेंगे, स्क्वायर से नहीं निकलता फिर क्यूब करके देखेंगे। इधर क्या है, 11 है, 11 का स्क्वायर करो कितना आ गया 121, माइनस में 4 करो कितना आ रहा है 117। क्या यही लिखा हुआ है, मतलब बात बन गई अपनी। बस तो अब क्या करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर, भाई अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस में 4, माइनस में 4, तो 100 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और 96 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। स्क्वायर किया तो 10 का स्क्वायर किया 100 हो गया, माइनस में 4 किया था, माइनस में 4 करो 96 आंसर। तो ये भी हो सकता है, इसलिए बोला है स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, पता है ना कितने क्वेश्चन आ गए स्क्वायर से। ठीक है, बस रिलेट होता है, करते हो तो हो नहीं, आप नहीं करोगे ना ठुकाई कर दूंगा आपकी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये और भी अच्छा है, ठीक है, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ना इन्हीं में आती है, नंबर्स वाले में ही ज्यादा। बाकी तो आप जो हिंदी वाले हैं वो भी कर लेते हो, इंग्लिश वाले भी कर लेते हो, मैथ वाले में ही दिक्कत आती है क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या लग रहा होता है ना। देखो इसको कि 2 और 9 का क्या संबंध हो सकता है, करके देखो। करके देखो भाई, करके इसको स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने अभी क्वेश्चंस तो देख लिया है, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चंस लगा है ये। ठीक है, करके देखो आप कि 2 का 9 से क्या संबंध हो सकता है और 6 का 216 से, सॉरी 217 से। ठीक है, अब मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि भाई जब आप पढ़ते रहते हो ना तो ये चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं कि 6 के आगे अगर 217 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 का क्यूब है। ठीक है, 216 होता है और प्लस में 1 करके लिखा गया तब 217 लिखा जा सकता है, ये कंडीशन बन सकती है। क्या इधर भी वही कंडीशन है, करके देखो कि भाई उधर 6 का क्यूब किया था हमने तो इधर 2 का क्यूब करके देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और प्लस में 1 किया था, प्लस में 1 किया तो 9 आ रहा है। बस ये कब हो सकता है, जब आप थोड़ा दिमाग लगा के करोगे तभी। ठीक, फिर क्या है यहां पर, 9 का क्या करना है अपने को, क्यूब 9 का क्यूब करो और माइनस में 1 करो। 9 का क्यूब कितना होता है बताओ, बताओ 9 का क्यूब कितना होता है, बताओ बताओ। ठीक है, माइनस 1 नहीं, प्लस 1 है भाई। ठीक, प्लस 1 करना है, बताओ, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना इधर भी उधर भी, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, अरे 9 का स्क्वायर याद है ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को भी फिर 9 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा 728 हो जाएगा, 729 हो जाएगा यार, 28 थोड़ी ना 729। अरे 81 को 9 से करोगे तो इधर 9 आ रहा है ना। ठीक है, 9 और 9 अंठे 72, 729 आ गया, प्लस में 1 जोड़ दो 730 आ गया। बस ऐसे याद करो, याद होने चाहिए क्यूब, मैंने क्या बोला 20 तक क्यूब याद करने ही पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, तभी जो टारगेट है ना उसको अचीव कर पाओगे। तभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप पढ़ लो यार। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं इस बार कि कोई कमी ना रहे मेरी तरफ से, आपकी तरफ से रखो तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी रहे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो हमने ना पढ़ाया और पेपर में आ जाए। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो पेपर में आएंगे, पेपर से पहले पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि पेपर के बाद। चेचक का संबंध वायरस से ऐसे ही आपको बताना है, तो चेचक वायरस से होता है, ऐसे बताओ कौन सा है। तो साइंस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये रीजनिंग में भी काम आता है, साइंस और जीके काम आती है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा,
सभी का तो एंथ्रेक्स है, ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, किससे होता है? बैक्टीरिया से। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फिर से अच्छा है, ठीक है, निकालो इसको। अब ऐसा थोड़ी ना कि बार बार मैं ही निकालूंगा, आप भी निकालो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप भी निकालो, मेरा तो मैंने तो कर लिया सोल्व, आ गया आंसर मेरा, तो आप भी निकाल लो, ठीक है, करिए। कि भाई दो का संबंध आठ से है, पांच का पचास से है, तो करिए, कैसे हो सकता है दो और आठ? अगर मान लो कि पहले चार गुना हो रहा है, उधर तो बीस ही होता, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या आता अपने दिमाग में कि भाई यहां स्क्वेयर हो रहा होगा, तो अगर दो का स्क्वेयर करते हैं तो कितना आता है? चार आता है। आठ करने के लिए चार गुना दो करना पड़ेगा, तब आपका आठ आ रहा है। या कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह भी आ सकता है, दो का क्यूब कितना होता है? आठ होता है, तो उधर पांच का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, तो ये क्यूब वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये वाला और चेक करके देख लो कि दो दो का स्क्वेयर किया, चार आया, उसको दो से गुना किया, उधर देखो कि पांच का स्क्वेयर करो, 25 आ गया, और उसको दो से गुना करो, 50 आ गया, मतलब ये बात बन गई अपनी, ठीक है। इधर भी करके देखो, 10 का स्क्वेयर करो, कितना आ गया? 100, और उसको दो से गुना करो, कितना आ गया? 200। आंसर भी दिख रहा है 200, ठीक है। हर क्वेश्चन से अलग, हर क्वेश्चन से में नई चीज सीख रहे हो, और हर क्वेश्चन में जो नई चीज सीखेगा वही भाई सिलेक्शन लेगा, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना इजी इजी क्वेश्चन लेके आ जाऊं, इजी इजी क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा रखे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इजी है ना। अगर पेपर लो लेवल का बनता है, अब नहीं बनता, वो पहले बनता था भाई, ठीक है, 2021 के बाद में है ना चेंज हो गया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। रीजनिंग है ना वो CGL CPO इनके लेवल के आने लग गई है, तो अपने को भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। क्या है बढ़ाना घटाना? तो बढ़ाना और घटाना क्या हो गया, मतलब प्लस माइनस एक दूसरे हो गए, कौन शब्द हो गए, इस टाइप का पहले कर चुके ना, दोबारा रिवीजन। तो इसका क्या है, मुस्कुराने का क्या हो जाएगा? एक क्या है, घट रहा है बढ़ रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, एक मुस्कुरा रहा है। मैंने अभी बोला ना कि रिलेशनशिप जिसका अच्छा चल रहा है वो मुस्कुरा रहा है कि मेरी वाली अलग है, ठीक है। अब तो धोनी सर ने भी बोल दिया, जो हमारे माही भाई है ना, उन्होंने भी बोल दिया है कि ये मत सोचना कि मेरी वाली अलग है या मेरे वाला अलग है, ठीक है, मत सोचना, आप भी मत सोचना, कटेगा तेरा भी भाई, और नहीं कटे तो बहुत अच्छी बात है यार। प्यार है ना किस्मत वालों को मिलता है, ठीक है, प्यार है ना किस्मत वालों को मिलता है, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, इस समय में किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं जिनको अपना सच्चा प्यार मिल जाए, सच्चा साथी मिल जाए, उससे अच्छी का कुछ बात हो ही नहीं सकती। छोड़ो अब इसका आंसर करो, मुस्कुराने का विपरीत क्या हो जाएगा? सैड, उदास, इस तरीके का। प्लग झपकाना नहीं होगा, चिल्लाना नहीं होगा, हंसना तो क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो मायूस होना, ऐसे मायूस ही तो होते हैं। जैसे जो बाकी यूट्यूबर्स है ना, उन्होंने आपको बता दिया था, बड़े बड़े है ना, उन्होंने भी बताया था, अपन बताया 84,000 वैकेंसी आ रही है, 70-75,000 वैकेंसी आ रही है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उन्होंने भी बता दिया था कि इतनी वैकेंसी आ रही है, क्योंकि हमें पता था नहीं आएगी यार, तो आपको क्या किया उन्होंने, चढ़ा दिया, मुस्कुराने लग गए और इतनी वैकेंसी आएंगी। फिर जब इन्होंने धड़ाम दे घेरा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने निकाल दी, बाद में बढ़ा देंगे, अरे तुम्हें पहले ही पता था, तुम्हें तो सिर्फ अपने कोर्स सेल करने होते हैं, तो बस उस हिसाब से कर देते हो, ठीक है, तो उनसे बच के रहना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, नहीं देखा देख लेना, क्या क्या चीज़ें यूट्यूब पर चलती हैं, सिलेक्शन लेना है तो उनसे बच के रहना। ये देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन देखो, तीन का क्या है, आठ से संबंध है, ग्यारह का इससे संबंध है, तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था, ये तो और भी अच्छा है, ठीक है, SI के लेवल का है, SI के एग्जाम में पूछा गया, लेवल क्या करेगा, ठीक है, SI के CPO SI का होता है एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का, बताओ, मैं बता दूं क्या किया था हमने, कि भाई बहुत बड़ा हो सकता है, तो भाई तीन के कंपैरिजन में तीन गुना ज्यादा है, थोड़ा सा कम है तीन गुना से, लेकिन तीन गुना के आसपास है, इधर देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा गुना हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या कर सकते हैं, जब आठ दिखता है तो दिमाग में क्या आता है, बताओ, आठ दिखते ही दिमाग में क्या है सभी के,
अगर मैंने पूरी क्लास देखी है ना, मजे से देखी है, पढ़ी है, समझी है, दिमाग को खुला रखा है, तो समझ में आ गया होगा कि 8 है वो 2 का क्यूब होता है। इधर क्या लिखा हुआ है, 3, तो यानी 3 में से अगर 1 माइनस कर दें और जो आए उसका क्यूब कर दें तब हमारा 8 बन रहा है, यही तो हुआ। तो इधर करके देखो, 11 में से क्या करो, 1 माइनस करो, 10 आ गया, और 10 का क्यूब करके देखो, 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, 1000 ही लिखा गया, बस बन गई बात। अब क्या है, 6 है, तो 6 में से क्या करो, 1 माइनस करो, कितना आ गया, 5 आ गया, 5 का क्यूब करो कितना आ गया, 125 आ गया, 125 आंसर हो गया। 11 में से माइनस किया 1, 10 आया, 10 का क्यूब किया, 1000 आ गया। 6 में से 1 कम करेंगे कितना आ गया, 5, 5 का क्यूब करेंगे 125। याद होगा, जल्दी कर दोगे, वरना फिर ऐसे करते रहना, 5 गुना 5 25, फिर 25 गुना 5, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 है 125। समय निकल जाएगा, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए समय नहीं बचेगा फिर, ठीक है। तो याद कर लोगे तो जल्दी कर दोगे, वरना तो आपकी इच्छा। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि बल का संबंध न्यूटन से है तो धारा का संबंध किससे होगा, और ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, मेरे जो चैंपियंस यहां तक क्लास देखा है, मतलब पूरे डेडिकेशन से वो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, और आंसर आप कमेंट करके बताओगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सच में बहुत प्यारा लगने वाला है। क्या, मुझे सच में ही बहुत प्यारा लगने वाला है कि बल का संबंध न्यूटन से है तो धारा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आंसर नाम लिख के देना, कि ऐसे वोल्ट है तो वोल्ट, आवेश है तो आवेश, ऐसे या एबीसी भी लिख सकते हो, ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, शायद 18-19 नंबर का अपना, ये 18 नंबर का आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि ये टाइप पहले कम आती थी, अब आने लग गई, पहले आती ही नहीं थी एसएससी जीडी में, तो बाय चांस मैंने तो एक दो बार करवाई भी है, ठीक है, तो एक दो बार आई भी है, हमने करवा दी नहीं इसलिए आ जाती है, ठीक है। पता है कि हम करवा रहे हैं तो हम थोड़े एक्स्ट्रा चलते हैं, ठीक है। 2021 में भी जब हमने जो सिलेबस में नहीं था ना, 2-3 टॉपिक्स करवाए थे, बहुत कम स्टूडेंट ने पढ़ा था कि सर जी ये तो कोई नहीं करवा रहा, आप क्यों करवा रहे हो, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आ गया था, क्योंकि हम थोड़े एक्स्ट्रा चलते हैं, हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं फिर वो आगे जाके ट्रेंड बनता है। और जिनको विश्वास नहीं है ना, अभी जो आप देख रहे हो ना कि ये टॉपिक इतने नंबर का आता है, इतने नंबर का आता है, 2022 में हमने शुरुआत की थी, उसके बाद सभी कॉपी का इस बार हर कोई बता रहा है, पिछले वाले में चेक कर लेना किसी ने नहीं बताया था, हमने ट्रेंड स्टार्ट किया, पता चला लोगों को कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट को भी फायदा होता है और हमको तो होता ही है टीचर्स को, तो फिर उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कॉपी। और मैंने बोला था कॉपी दैट 2021 में भी, 2022 में भी, और इस बार 2023 में जो 24 वाली भर्ती आई है ना, ये इसमें भी कुछ ऐसा करेंगे कि लोग अगली बार कॉपी करेंगे उसको, ठीक है। हम एक साल एक्स्ट्रा चलते हैं बाकियों से। देखो क्या है, बताओ भाई, ये बड़े वाला इधर है तो यानी इन दोनों के बीच में कोई संबंध होगा, करके देखो क्या संबंध है। चलो 30 इसको मान लो, तो एक इधर हुआ तो 16, 30 और 16 कितना होता है 46, यानी इन दोनों को जोड़ के ही लिखा गया है। पहले वाले में क्या था, बहुत सारी अलग चीजें थी, फिर इस टाइप का दूसरा किया, उसमें क्या था कि गुना किया जा रहा था दो को और एक जोड़ के लिखा गया था। इस बार क्या आ गया, बस इन दोनों को जोड़ा बीच में, इन दोनों को जोड़ा ये आपका आ गया, इन दोनों को जोड़ो ये आ जाएगा भाई, क्या 36 और 4 40 और 20 60, यही तो लिखा गया। बस ऐसे ही देखो कि किसका जोड़ आ रहा है, इधर इधर करके देखो, 6 6 12 आएगा तो ये नहीं हो सकता, इधर करके देखो भाई 4 और 5 54, यही आंसर है, बाकी और किसी में करके देख ले नहीं आएगा, क्योंकि इधर जोड़ोगे तो 0 आ रहा है, इधर जोड़ोगे तो 0 आ रहा है, ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको काफी क्वेश्चंस देने वाला हूं, ठीक है। देखो क्या है कि शेर का संबंध जंगल से है, देखिए शेर का संबंध जंगल से है वैसे ही अपने को बताना है, तो शेर है ना वो जंगल में रहता है, या बोल लो जंगल का राजा होता है, तो उसी तरीके से मधुमक्खी शहद, ठीक है भाई, शेर है वो जंगल में रहता है, मधुमक्खी शहद में नहीं रहती, शहद बनाती है। सार्क है महासागर में, सार्क है महासागर में, सार्क है महासागर का राजा होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी फूल और ये नहीं होगा, ये दोनों ये तो आंसर नहीं होंगे, कौन सा हो जाएगा, सार्क है वो महासागर का राजा होती है।
तो ये हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो देख लेना भाई, लाइक वगैरह कर देना, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, जिसने अभी तक नहीं किया। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, अगली क्लास में कोई अपडेट करवाना चाहते हो कि सर जी ये नई चीज़ ऐड कर देना, तो वो कमेंट करके बता देना, और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रवीण का डायरेक्ट क्लासेज है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ मिलती रहती है। अगर बात करूं ना, कल ही मैंने है ना पूरी पॉलिटी का हैंड रिटन नोट्स डाला है। पॉलिटी आप समझ रहे हो ना, जीके की भी साथ में फुल तैयारी लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग हिंदी पे चल रहे हैं, जीके की भी फुल तैयारी लेके चल रहे हैं। पॉलिटी का हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ डाल ली है, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए हैं। उससे पहले मैंने हिस्ट्री की भी डाल दी थी, बाकी आपकी करंट अफेयर वगैरह वो सारी आती रहेंगी। ठीक है, वो कहां पर मिलेगी? इस टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, आशा करता हूं आज की क्लास सभी चैंपियन को पसंद आई होगी, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।